घी गरम हो गया है, अब मैं इसमें बादाम तल रही हूँ। एक एक कटोरी में सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। आपको जो पसंद है आप वो अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं और मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप हमारे हो गए, इनको निकाल लेते हैं। इसमें ये अखरोट और काजू एक एक कटोरी है, मैं इनको साथ में रोस्ट कर लेती हूँ। अखरोट आपको पता है हमारे हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसे हमें खाना चाहिए सर्दियों में, ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तभी आपके पास पहुँचेगी सबसे पहले। भुन गए, इनको निकाल लेते हैं हम। एक चम्मच घी डालेंगे इसमें, ये किशमिश डालेंगे एक कटोरी, इनको भून लेते हैं अच्छे से। देखिए ये भी हमारी कितनी अच्छी बन गई है, फूल गई सारी। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब फिर हम इसमें घी डालेंगे एक चम्मच, इसमें ये हम मखाने तलेंगे। हमें मखाना में बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है क्यों, मखाना बहुत घी पीता है, जितना हम डालेंगे बस हमें इतना डालना है कि आराम से भुन जाए ये। मखाने में भी बहुत कैल्शियम होता है। खाने भी रोस्ट हो गए हैं, मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। मैंने खरबूजे, तरबूज और कद्दू के बीज लिए हैं, अब इनको रोस्ट कर लेते हैं। इसको हमें बिना घी के ही भूनने हैं, ये हम घी में नहीं भूनेंगे। बीज भी फूल गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ, ये भी भून गए अच्छे से। अब ये पिस्ता भूनेंगे हम इसमें, अभी निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम ये कोला भून लेंगे जो हमने कद्दूकस कर लिया है। हमारा भुन गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। गर्म हो गई है, अब मैं गोंद भूनती हूँ। ये इसे सिम गैस पे भूनना है, तेज नहीं करनी नहीं तो जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये पॉपकॉर्न की तरह खिल जाता है, बहुत अच्छा हल्का होता चला जाएगा। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है अंदर से भी।
गोंद दांतों में चिपकना नहीं चाहिए इस तरह से हम बोने, अगर नहीं तो कच्चा रह जाएगा दांतों में चिपकेगा। मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए हमें ऐसे ही चाहिए, कितना अच्छा बुना है, देखिए कितना अच्छा गोंद बुना है, हमें इसी तरह से चाहिए। हम बना रहे हैं हरीरा, इसके लिए मैंने पैन में एक चम्मच घी डाल दिया है, गर्म हो गया। अब मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इनको मैंने मोटा मोटा कोट लिया है, ये भून के लिए है मैंने, और इनको हम थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेते हैं, मतलब घी में भून लेते हैं। ये हरीरा खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आधी चम्मच में ये अजवाइन भी डालूंगी इसी के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है इसमें खाने में, और इसके साथ भुन भी जाएगी ये अच्छे से। ये जच्चा को भी दिया जाता है, और सर्दी में आपको को अगर माइग्रेन वगैरह है, कुछ भी है, तो आप खा सकते हैं इसको, ये सर्दियों को दूर भगाता है। ये हमारे दर्दों को भी दूर करता है शरीर में। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे मेवा सारे भुनी हुई हैं, हमें थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसको भूनना है। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तभी हम इसको बंद कर देंगे। अब ये सभी भुन गए हैं, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। गिलास में इसमें पानी डालूंगी और इसमें हम गुड़ डालेंगे। हमारा घुल गया है, चाशनी तैयार है। अब इसको हम छान लेते हैं दूसरे बर्तन में, कोई भी गंदगी होगी तो वो निकल जाएगी। अब इसमें ये मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ जो हमने भुने हैं। इसमें हल्दी और सौंठ जो है डालते भूनते समय ही डाल लीजिएगा, नहीं तो कच्ची नहीं आते है कच्चेपन की। अजवाइन, हल्दी, सौंठ, इसमें दखनी मिर्च भी डाल सकते हैं, वो मेरे पास है नहीं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, और जच्चा के लिए और किसी भी आप कोई भी आदमी खा सकता है इसको सब। इस तरह से जो है मेवा फूल जाती हैं अच्छे से, और नुकसान भी नहीं देती हैं, पची भी आती हैं आराम से। अब एक चुटकी में इसमें नमक डालूंगी, इससे इसका बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। मीठे में एक चुटकी नमक ज़रूर डालना चाहिए। अब ये आप गरम गरम आराम से पीजिए, खाइए खाइए या पीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। जच्चा को पीने को देना चाहिए गरम गरम पतला पतला, तभी फ़ायदा करता है। 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं अच्छे से, उबाल आ जाने देते हैं, अच्छे से पक जाएगा ये, तब गैस का फ्लेम बंद करेंगे, फिर हम बताएंगे क्या करना है हमें। मैंने इसमें गोला लिया है, बादाम लिए हैं, काजू है, किशमिश है, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद ले सकते हैं। अब हमारा हरीरा बन गया है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब आपको इस चम्मच से 3 चम्मच आपको खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना एक बार में। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है।